लोकसभा चुनाव का ऐलान होने में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही हर पार्टी और गठबंधन जनता के बीच माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के गढ़ सैफई में बड़ी सभा की। योगी का सैफई पहुंचना क्या कुछ संकेत दे रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी के मिशन 400+ के लिए बीजेपी एक भी सीट पर गुंजाइश छोड़ने के मूड में नहीं है। मामला परसेप्शन बनाने का है, साइकोलॉजिकल वॉर में आगे निकलने का भी यह मामला है। सवाल इस बात को लेकर है कि जैसे 2019 में राहुल गांधी से अमेठी की सीट बीजेपी ने छीनी, क्या वैसे ही मैनपुरी सीट पर भी भगवा लहराने की कोशिश है? रिपोर्ट आप देखिए। ललकार कितनी तेज है, हुंकार में कितना आवेग है। जो उतरे हैं जमीन पर गदा उठाए, उनकी अपनी ही जमीन पर। कांग्रेस की चिंता अमेठी और रायबरेली की है तो सैफई इटावा में भी हवा अलग ही टाइट हो चुकी है। अखिलेश के गढ़ सैफई पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने सैफई को 500 बेड्स के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात दी। समाजवादी सरकार के दौरान 2014 में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का फैसला लिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार कोई भेद नहीं करती, मुझे याद है पिछली सरकारों ने इस आयुर्विज्ञान संस्थान को नारियल फोड़ करके शुरू तो कर दिया था, लेकिन काम के लिए पैसा नहीं दिया था, टोकन मनी दिया था। टोकन मनी में 1,00,000 रुपया दिया जाता था। बताओ 500 करोड़ जहां लगना, वहां 1,00,000 से काम होता है क्या? तो बात यहीं से आगे निकलती है, वो ये कि क्या बीजेपी अब समाजवादी पार्टी के गढ़ में उसी तर्ज पर चक्रव्यूह रच रही है जैसा कि वो कांग्रेस के अमेठी और रायबरेली के दुर्ग में कर चुकी है। योगी की कोशिश क्या उस वोट बैंक को अपने पाले में करने की है जो कई दशकों से समाजवादियों का डेडिकेटेड वोट बैंक रहा है। विकास के फॉर्मूले पर योगी का दांव सीधा है, बिना भेदभाव विकास, बुनियादी सुविधा पर जोर, कानून व्यवस्था पर फोकस और समाजवादी किले में सेन। इसी के भरोसे बीजेपी अखिलेश के उस गढ़ की घेरेबंदी कर रही है जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव से विरासत के तौर पर उन्हें मिला। योगी कल और आज के फर्क और बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने काम के संकल्प दोनों की चर्चा अपने मंचों से करते हैं। मैं देख रहा था जो यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे थे कार्मिक, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई भय नहीं था। इटावा का भय नहीं था, आज सिफाई का भी भय नहीं था। तो एक समय मुझे याद है 1996-97 की घटना है, मैं जयपुर से आगरा आना था, मुझे रात्रि हो गई मुझे आगरा में, तो मुझे रात्रि में पुलिस ने कहा कि आप रात्रि में यहां से कानपुर मत जाइए। मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे बोला गया कि आप कानपुर होते मत, बीच में जो रास्ता है कोई घटना घटित हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि सैफई की किस्मत तब तक खूब चमकी जब जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन यह भी सच है कि समाजवादी पार्टी पर सिर्फ सैफई, मैनपुरी और इटावा को ही चमकाने के आरोप लगते रहे। योगी का काम मोदी के सबका साथ सबका विकास के सूत्र पर कसा है और अब ऐसा लगता है कि बदलाव की यही तस्वीर अखिलेश के कोर वोट बैंक का मन और मिजाज बदल रही है। वोट तो सर डिंपल को अब सर घोसी समाज से नहीं मिलेगा सर, घोसी समाज का वोट नहीं मिलेगा डिंपल यादव को, नहीं जाएंगे, वो हार के जाएंगी अब की बार यहाँ से चुनाव। हार जाएंगी कमल खेलेगा यहाँ पे, अखिलेश परिवार का कोई आदमी हार जाएगा यादव लैंड में? हाँ हारेगा, मैनपुरी से क्लियर हारेगा, 100 में 100% हारेगा।